इस एसी को लगवाने के बाद में जितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई और दूसरा इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करे, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना ताकि आपको पता लग पाए, आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ कि इस एसी को आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डाइकन का एसी है और इसका मॉडल नंबर है FTKM50UV16V, और ये 2023 का मॉडल है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इस मॉडल को, आप देख सकते हैं 5 स्टार मॉडल है। मैंने इस एसी को तकरीबन 1 हफ्ते पहले ख़रीदा है और अपने एक पासी में डाइकन का शोरूम वगैरह है, मैंने उनसे लिया है। वो डाइकन का अथोराइज शोरूम है, मैंने उनसे इसको परचेज़ किया। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया मेरे को इसको ख़रीदे हुए। मैंने जिस दिन एसी को ख़रीदा था, ठीक उसी दिन मेरे पास कॉल आता है कि सर आपने एसी परचेस किया है और हम एसी इंस्टॉलेशन के लिए आना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस नोट करा दीजिए। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप भैया डाइकन की तरफ से बात कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ बोला हाँ। मैंने कहा ठीक है भैया, आप एड्रेस नोट कर लीजिए और आप आ जाइए। उन्होंने एड्रेस नोट किया और वो मेरे पास आ गए। अब जैसे ही वो यहाँ पर आए, उन्होंने ना तो डाइकन की कोई टी शर्ट डाली हुई थी, उनके पास कुछ ऐसा नहीं था जिससे मुझे लगे कि हाँ ये ब्रांड की तरफ से आए हैं। तो मेरे मन में आ ही गया कि मैं पूछ लूँ भैया एक और आई कार्ड दिखा दो, डाइकन की तरफ से हैं तो आप। उन्होंने एक बार तो मेरी बात को इग्नोर कर दिया, वो देखने लग गए दीवार को कि कहाँ पे लगाना है। मैंने दोबारा थोड़ा स्ट्रिक्टली उनसे बोला कि भैया अपना आई कार्ड तो दिखा दो, आपके पास आप टी शर्ट डाली हुई है आप डाइकन की, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि आप डाइकन की तरफ से आए। तो उन्होंने मेरे से बोला भैया लगवाना है तो लगवाओ, हम डाइकन की तरफ से नहीं है, और डाइकन वाले तो 3-4 दिन के बाद में आएंगे, वो अभी लगाने के लिए नहीं आ रहे, लगवाना तो लगवाओ नहीं तो हम जा रहे हैं। मैंने कहा भैया तू मेरे को कॉल पे बता देता है इस बात को कि हम डाइकन की तरफ से नहीं है, तो मैं तेरे को क्यों बुलाता है यहाँ पर, तुम तो लगा के चले जाओगे और डाइकन वाले मेरी वारंटी को ख़त्म कर देंगे। डाइकन का साफ कहना है कि अगर आपने थर्ड पार्टी से इंस्टॉलेशन कराई, यानी बाहर से इंस्टॉलेशन कराई है, तो वो वारंटी नहीं देने वाले। आपकी 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी ख़त्म, 5 साल की पीसीबी की वारंटी ख़त्म, और 1 साल की पूरे एसी की वारंटी ख़त्म हो जाएगी अगर आपने बाहर से आपने इंस्टॉलेशन कराई है। अब ये लोग तो आ गए यहाँ पर। मैंने उनसे एक बात ये भी पूछी कि भैया आप ये तो बताओ आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? तो उन्होंने कहा कि जहाँ से आपने एसी परचेज किया है वहीं से हमने आपका नंबर लिया है। कहने का मतलब ये है जहाँ से मैंने एसी लिया था, उन्होंने ही इन लोकल लोकल वाले जो इंस्टॉलेशन वाले हैं उनको मेरी डिटेल प्रोवाइड करा दी और उन्होंने मुझे फ़ोन कर लिया। अब मैंने पूछ लिया उनसे तो मुझे पता चल गया कि ये डाइकन की तरफ से नहीं है, नहीं तो वो लोग तो लगा के चले जाते। तो सबसे पहले आप ये कन्फर्म करें कि जो आपके यहाँ इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा है या जो आपको कॉल कर रहा है वो ब्रांड की तरफ से है या नहीं, भले ही वो डाइकन का हो, एलजी का हो, पैनासोनिक का हो, किसी का भी हो, ये कंफर्म जरूर करें। इसके बाद में जो ब्रांड की तरफ से इंस्टॉलेशन वाले आए थे मेरे यहाँ पर, उनकी कंडीशन सुन के ना मैं हैरान हो गया कि मतलब इतनी कंडीशंस हैं तो मुझे ये कंडीशंस के बारे में एसी को परचेज करने से पहले क्यों नहीं बताया गया। उनकी पहली कंडीशन ये थी कि आपका रूम अगर 150 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का है तो हम आपके रूम के अंदर एसी इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये मेरा बेडरूम है अंदर का, मुझे मजबूरी में एसी में ही लगाना पड़ा है, वरना एसी को मैं ड्राइंग रूम में लगवाता। ड्राइंग रूम मेरा थोड़ा बड़ा है जो कि 165 स्क्वायर फीट का है, और उस रूम में इस एसी को लगाने से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि डायकन की पॉलिसी के हिसाब से 150 से बड़े रूम के अंदर एसी को इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो उन्होंने मना किया। उसके बाद मैंने ये रूम बोला कि इस रूम का साइज चेक करो, इन्होंने इस रूम का साइज चेक किया और ये रूम 140 स्क्वायर फीट का है और इन्होंने इसमें इंस्टॉलेशन की है। इसके बाद इन्होंने मुझे ये भी बताया कि अगर आपका फ्लोर जो टॉप पर है, यानी डायरेक्ट सनलाइट आपकी छत पे पड़ती है, तब भी डाइकन वाले इस एसी को इंस्टॉल नहीं करेंगे। अगर डाइकन का एसी आपको टॉप फ्लोर पे इंस्टॉल कराना है तो आपको 1.8 या फिर 2.0 का टन का एसी आपको बाय करना पड़ेगा। ये देखिए कॉपर वायर मेरी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, अभी तो जीने की तरफ से बाहर बालकनी में जा रही है। पहले मेरा एसी वहाँ पे लगा हुआ था, जो आपको लाइट दिख रही है वहाँ पे मेरा एसी लगा हुआ था एलजी का। मेरा सिर्फ 5 मीटर वायर यूज़ हुआ था जब मैंने एलजी का एसी लगाया, जब मैंने आज ये वाला एसी लगाया डाइकन का, तो मेरा 13 मीटर वायर यूज़ हुआ है, कॉपर पाइप की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरा 12,500, तकरीबन 12-12,500 का ये लोग बिल बना कर गए हैं। और इंस्टॉलेशन की बात करूँ तो इनकी इंस्टॉलेशन इतनी बेकार है कि मुझे लगता है कि मेरे नीचे
एसी की दुकान है, वहां से मैं किसी को पकड़ के लाता कि भैया मेरा एसी इंस्टॉल कर दो, तो वो इनसे 10 गुना बेटर एसी को इंस्टॉल करके जाते हैं। ये देखिए, ये है पानी का पाइप, ये बाथरूम की तरफ जा रहा है। ये पाइप को देखिए आप, यहाँ से ढलान है, पानी यहाँ से आएगा और यहाँ से नीचा है, फिर यहाँ से ऊंचा कर दिया है उन्होंने। और होता क्या है, पानी यहाँ पर आता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है, जब भर जाता है तो वो निकल नहीं पाता और पानी फिर यहाँ से गिरता है। 2 बार ऐसा हो चुका है कि पानी यहाँ से गिरा है। ये देखिए पाइप को आप, मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से नीचे हो गया और यहाँ से फिर से ऊपर हो गया, पानी यहाँ पे हमेशा भरा रहता है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर ड्रिल, देखिए यहाँ पे 2 छेद हैं, एक आपको पाइप के नीचे दिख रहा है और एक इस तरफ दिख रहा है। पहले इन लोगों ने ड्रिल यहाँ पर किया था, ये ड्रिल इन लोगों ने गलत जगह किया। गलत जगह कैसे, मैं दिखाता हूँ। इस वाले छेद, ये वाला जो होल है, ये होल इस दीवार के अंदर जा रहा है, इस वाली दीवार के अंदर हुआ है। इन्होंने ड्रिल करके मेरे से बोला कि भैया ये तो गलत जगह पे ड्रिल हो गई है, दीवार के अंदर हो गई है, तो दूसरा करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया जब तूने कर ही लिया गलत जगह ड्रिल, तो कर ले दूसरी जगह पर। इन्होंने फिर दूसरा ड्रिल किया और इन्होंने ये भी ड्रिल गलत किया। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से, वॉशरूम के अंदर लेकर चलता हूँ मैं आपको। मैं वॉशरूम के अंदर आया हूँ, ये देखिए कि वॉशरूम के अंदर पाइप जा रहा है और इन्होंने ड्रिल यहाँ पर किया और पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने दीवार तोड़ दी। ऐसा नहीं है कि दीवार कमजोर है, ये दीवार बहुत मजबूत है, उसके लिए पूरी दीवार टूट गई और इन्होंने कुछ भी नहीं भरा। ये मैंने खुद से करवाया बाहर से, ये व्हाइट सीमेंट लगवाई है मैंने अपनी तरफ से लगवाई है, ये लोग इसको ऐसे ही छोड़कर चले गए। इसके अलावा भी मेरे को कई सारी चीज़ें, कई सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। मैं अगर सारी प्रॉब्लम्स एक ही वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और एक और वीडियो बनाऊंगा कि मुझे और क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी। वो आउटडोर में प्रॉब्लम हुई थी मेरे को और कई कंडीशंस ऐसी इन्होंने बताई थी जो कि मुझे नहीं पता थी, शोरूम वालों ने नहीं बताई थी। अगर कोई इंसान एसी लेने के लिए जा रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको इस कंपनी की जो क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं एसी लगाने से पहले। मैंने तो एसी बाय कर लिया, दुकानदार ने मुझे भेज दिया, एसी इंस्टॉल करने वाला आ रहा है, वो बता रहा है कि भैया एसी इंस्टॉल करने की ये कंडीशन है। अब कौन इसमें बेवकूफ़ बना, कस्टमर ही तो बना है ना। शॉपकीपर ने तो बेचना था बेच दिया, कस्टमर को खरीदना था खरीद लिया, अब इंस्टॉलेशन वाले जो हैं वो आके बता रहे हैं कि 150 स्क्वायर फीट से बड़ा का रूम है तो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, अगर आपका फ्लोर टॉप पर है तो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, ये कंपनी की पॉलिसी है। अरे कंपनी की पॉलिसी है तो भैया फिर वहाँ पे शोरूम में एक बंदा खड़ा करो अपनी कंपनी का, जो कस्टमर अगर लेने वाला है तो उसको बताए कि अगर आप ये डैगन का एसी ले रहे हो तो ये कंडीशन है, अगर इन कंडीशन से आप फुलफिल करते हो तो आप ले लो, अदरवाइज छोड़ लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम्स फेस हुई थी, मैं कल एक और वीडियो डालूंगा, उसमें आपको बताऊंगा। मुझे बाहर जाना पड़ेगा बालकनी में और गर्मी बहुत हो रही है, मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ और वीडियो 8 मिनट की पहले ही बन चुकी है, इसलिए मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स बहुत हुई हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं 99 नहीं 100% आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।